गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आइए मैं आपको अपना होम टूर करा देती हूँ। बहुत छोटा सा टूर है, तो आप सब देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको किचन से एंट्री देती हूँ। किचन से आप देख लीजिए, और ये मेरी किचन है। और अब मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ, आप म्यूज़िक इंजॉय करिए। मिलने कौन कौन आया हुआ है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आए हुए हैं। और देखिए, उनका छोटी सी बेबी भी है। और रिद्धि सिद्धि कितना उनसे इन्जॉय कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो मिष्टी ने किया, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई छोटा बेबी घर पर आ गया है।
और मैं उसके साथ खूब मस्ती करूं। पहले तो अपने टॉय शेयर करने में बहुत दिक्कत कर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने टॉय शेयर करने लग गई। और सिद्धि जबकि बड़ी है, लेकिन उसने कहा, ना मम्मा, आप मेरा एक टॉय तो दे सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो दोनों दे दो, मिष्टी को और छोटे बेबी हर्षिता को, तो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप एक आप ले लो, एक छोटे बेबी को दे दो। तो हम लोग सब लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ हमारी बहुत पुरानी पुरानी बातें हो रही हैं, तो वो तो मैं आपको नहीं सुना सकती, लेकिन हम लोगों को पता है इतना अच्छा लग रहा था, रिलैक्स मोड में आराम से बातें कर रहे थे। और मेन क्या था ना कि टीवी ऑन था, तो टीवी का वॉल्यूम तो आप जानते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग रहता है। अगर मैं सोचूं कि वॉल्यूम को कम कर दूं, तो नहीं भाई, ये रिद्धि को बड़ा फील होता है, मम्मा वॉल्यूम कम कर दिया आपने, आप बातें करो लेकिन मेरा वॉल्यूम हाई वॉल्यूम रहना चाहिए। तो आजकल के बच्चे ना अपनी मनमानी करते हैं, और कुछ बच्चे जो अब थोड़ा सा बहुत बड़ी एज में आने लगे हैं, तो उनको देख लीजिए, वो कितना शैतानी भी करते हैं, और अपने मन की उनको करनी होती है। अगर आप उनको कुछ भी थोड़ा बहुत जिद करते हो तो बहुत गुस्सा होते हैं। और ये देखिए छोटा बेबी कितना प्यार से, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, वो बहुत इंजॉय कर रही है। और आइए हम लोग आगे भी चलते हैं, अब खूब सारी बातें हम लोगों ने कर ली, चाय नाश्ता वगैरह हम हो गया है, ये इवनिंग का टाइम था। पहले तो आपको होम टूर कराया, होम टूर के बाद मेरा फ्रेंड सर्कल आ गया, तो मैंने कहा चलिए भाई उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने सोचा इनके जाने के बाद थोड़ा सा और आपको कुछ अपने घर को दिखाऊंगी या अपने घर की वीडियो शेयर करूंगी, बट वो भी नहीं हो पाया। फिर कुछ और गेस्ट आ गए, गेस्ट मीन्स उनके रिद्धि सिद्धि के फ्रेंड्स आ गए थे, ये मेरे फ्रेंड्स आए थे तो मैं इन्जॉय कर रही थी, अब रिद्धि सिद्धि के फ्रेंड्स आने वाले हैं तो अब रिद्धि सिद्धि इन्जॉय करते आपको आगे दिखेंगी। और इतना बच्चे इन्जॉय करते हैं ना जब उनके फ्रेंड्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। माना कि उनसे थोड़ा सा बड़े हैं इससे, लेकिन मस्ती पूरी फुल होती है। और ये देखिए मस्ती मिटू, ओ, नो, 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 नो। क्या हो रहा है मिटू को, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मिटू? नीचे नीचे देखो, गिर जाओगे, नीचे देखो, मिट्टू गिर जाता है। आओ गुस्सा मिट्टू, गुस्सा इतना गुस्सा, अरे भाई बड़ा गुस्सा है, गुस्सा हो रिद्धि, रिद्धि रिद्धि प्यार कर दो, रिद्धि रिद्धि मुझे किसी करो, फोटो शूट करिए। मिठू मॉल में बहुत खेलता है, अभी नहीं खेला जाए। मिठू कौन है ये? मिष्टी है ना, आ जाओ दीदी, मिष्टी मिष्टी वाला सॉन्ग सुना दो दीदी को। मैं तोता हरे रंग का, मैं तोता, मैं तोता, मैं तोता हरे रंग का, मैं तोता चोच मेरी लाल रंग की, मिठू मिठू मैं तोता, मिठू मिठू दीदी साथ खेलो, दीदी साथ खेलो। ये देखिए अब सिद्धि को देख लीजिए, सिद्धि क्या कर रही है, सिद्धि यहाँ पर हेलो बोल रही है, और हेलो तो बाद में बोल रही, पहले तो हेलो बोलती है, फिर क्या कहती है, डिश्कियाँ डिश्कियाँ, फिर बंदूक स्टार्ट हो गई है। और दीदी अपनी फ्रेंड्स के साथ, माना कि वो उनसे थोड़ा बड़ी है, लेकिन मस्ती खोरी देख लीजिए इनकी, नोटी नोटी मस्ती, कितना इन्जॉय कर रहे हैं लोग। और होता भी नया चाइल्डहुड जो होता है ना बहुत ही, और आप सब जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आप अपने चाइल्डहुड को बहुत मिस करते होंगे। तो मैं नहीं चाहती कि इन लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क पड़े या बिल्कुल भी इफ़ेक्ट हो कि हम बड़े हो गए हैं, नो नो, हम बिल्कुल छोटे हैं, इन्हें यही फील होना चाहिए। और आप भी कोशिश करिए अपने बच्चों को खूब इन्जॉय कराइए, ताकि वो लाइफ टाइम जब वो आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो यही जो मोमेंट्स होते हैं, यही उनके जो बहुत ही प्यारे वाले मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाते हैं, वो इस चीज़ को बहुत याद करते हैं।
होता भी भाई, हम लोग आज तक याद कर रहे हैं, आप लोग भी करते होंगे, जो बचपन में हमने खेला है, कूदा है और बहुत सारी शैतानियां करी है, उन्हें कौन याद नहीं करता। अगर याद नहीं करना हो ना, तो अपने पापा और मम्मी को फ़ोन लगाइए या उनसे बात करिए और पूछ लीजिए कि मम्मा पापा हम क्या करते थे, तो पूरी आपकी हिस्ट्री ना वो खोल कर आपके सामने रख देंगे। तब आप कहोगे, अच्छा मम्मा हम ऐसे थे क्या, हम वैसे थे क्या। और अगर आपको ज़्यादा एंजॉय करना है, तो आप अपने बच्चों के साथ उस चीज़ को जी लीजिए, तो बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ हमारे रिदु गुस्सा हो गए क्योंकि ये लोग जा रहे थे, रिदु कह रही थी नो मम्मा इनको प्लीज़ मत भेजो, और ये देखिए मम्मा भी आ गई है।